हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। आज हम पढ़ेंगे सेट्स। ये है क्लास 11th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो आइए समझते हैं सेट होता क्या है। सेट अगर हम आमतौर पे बात करें तो जो फीमेल्स होती है अक्सर बात करती है सेट की। ठीक है, तो सेट में वो क्या मैच करती है, जो भी मैचिंग होता है उनका, जैसे कि बैंगल्स, नेकलेस, इयर रिंग्स, रिंग्स, बिंदी, ये उनका सेट हो गया मैचिंग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ ज्वेलरी हो गया। ऐसे ही क्या आता है कि जैसे हम बात करें कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। ठीक है, ये सेट हो गया। मेंबर्स ऑफ फैमिली, फैमिली मेंबर्स कौन कौन होते हैं, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, एटसेट्रा। ओके, इसके अलावा जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया में गंगा, जमुना, यमुना, सरस्वती, तो ये क्या हो गया, सेट हो गया रिवर्स का। ठीक है, अब हमने सेट समझा कि सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसके अलावा वेल डिफाइंड, तो सेट की जो प्रॉपर डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या होगा सेट, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे हमें ये तो एग्जाम्पल्स देखे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सेट की बात कर रहे हैं तो अगर मैथ्स में कर रहे हैं तो मैथ्स में हम कोई भी चीज स्ट्रीम प्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। ठीक है, अब सेट की बात करें तो सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स जैसे ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, एक्सेट्रा, ये क्या होगा, सेट का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और इनके ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को बोलते क्या क्या है, ऑब्जेक्ट, मेंबर एंड एलिमेंट। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, इसको ऑब्जेक्ट विद अदर नेम है। तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर्स से, जैसे ए, बी, सी, डी, एक्स, वाई, जेड, एक्सेट्रा। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर्स से। अब हमने एक सेट लिया है रिवर्स ऑफ इंडिया को, इसमें ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये क्या है, रिवर्स ऑफ इंडिया के ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे कि रिवर्स ऑफ इंडिया में सरस्वती इस सेट से बिलोंग करती है, अगर इसको डिनोट करना है तो कैसे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेज क्या है, बिलोंग्स टू, इसके लिए सिंबल क्या है, एप्सिलॉन। ठीक है, ये क्या है, ग्रीक सिंबल है एप्सिलॉन, इसको यूज करेंगे। जैसे हमें बताना है कि ए कोई ऑब्जेक्ट है, ये सेट ए का मेंबर है, इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो इसको डिनोट करने के लिए ई जैसा साइन होता है ये, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट है जो उस सेट से बिलोंग नहीं करता है तो उसके लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे बी डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्रॉस। ठीक है, ये हो जाएगा क्रॉस, ऐसे रिप्रेजेंट करना है डज नॉट बिलोंग के लिए और ऐसे रिप्रेजेंट करना है बिलोंग्स टू के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि इवन नंबर्स का सेट दे रखा है हमें, इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है, 2, 4, 6, 8 एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या है, सेट ए है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि डज 3 बिलोंग्स टू सेट ए, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो कौन कौन से दिए हुए, 2, 4, 6, 8, ये क्या है, इवन नंबर्स है। ठीक है, इवन नंबर का सेट दे रखा है, तो 3 इवन नंबर नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ये हो जाएगा इसका रिप्रेजेंटेशन। ऐसे ही बुक में और क्वेश्चन है, अब उनको सॉल्व करिए, और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, अब कुछ सेट्स है जिनको हम सिंबल यूज करते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स के लिए एन होते हैं, नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे इन्फाइनिट। ठीक है, इंटीजर्स, इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स को क्यू से, क्योंकि ये क्या होता है, पी बाय, क्योंकि हमें जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, ऐसे ही रियल नंबर्स के लिए आर। ठीक है, आप क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि इवन नंबर्स का सेट है ए। अब क्वेश्चन पूछा है कि आर 1, 7, 4, 9 आर मेंबर्स ऑफ दिस सेट और नॉट। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं कि हमारे पास इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8 ऐसे एटसेट्रा इन्फिनिट। ठीक है, अब हमारे सेट में क्या 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है, यस 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो जो 4 है वो क्या होगा, 4 बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास। अब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके होते हैं। ठीक है, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके हैं, वो कौन कौन से हैं, पहला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक है, दूसरा है सेट बिल्डअप। अब जो रोस्टर फॉर्म है वो क्या होता है, रोस्टर फॉर्म आर द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड। ठीक है, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। ये ब्रेसेस है जिनको जिनसे एनक्लोज करते हैं। ठीक है, अब हमने लिस्ट एक एग्जांपल लिया वोवेल्स का, अल्फाबेट में वोवेल्स होते हैं, 5 वोवेल्स होते हैं। ठीक है, अब जो एलिमेंट्स होते हैं कौन कौन से, ए ई आई ओ, अब इनकी लिस्ट बना ली और इनको बीच में कोमा लगा के इसे लिख दिया और जो ब्रेसेस है कर्ली ब्रेसेस इनसे एनक्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। अब मैथमेटिक्स से इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एम ए टी एच ई। अब एम फिर से आ रहा है, एच फिर से आ रहा है, टी फिर से आ रहा है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे आई सी एंड एस। अब हम इनको कोई से भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि ये वोवल्स वाला है, इसको हम अरेंजमेंट है वो कैसे भी हो सकता है, ए ए ओ आई यू, ऐसे भी सही है, ऐसे भी सही है। ठीक है, तो हम इनको अरेंजमेंट कैसे भी हो सकता है लेकिन रिपीटेशन अलाउ नहीं है। ठीक है, अब आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है कि इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पजेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। क्या पजेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट पजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। मतलब उस सेट में जो एलिमेंट्स होंगे उन सब की प्रॉपर्टी कॉमन होगी, जो कि बाहर के किसी एलिमेंट से मैच नहीं करेगी या उनमें वो प्रॉपर्टी नहीं होगी। उस सेट के जो एलिमेंट्स होंगे उन सब की कॉमन प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर वाला एग्जांपल लिया ओवल्स वाला, वैसे यहाँ पे लेते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। किससे पहले तो हम लिखेंगे ये सेट हमारा इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस विद एक्स, एक्स कोई वेरिएबल है। ठीक है, एक्स इज सच दैट is it such that x is a vowel in English alphabet। ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी बताई है कि x जो है वो vowel है। अब x क्या क्या हो सकता है, vowels कौन कौन से होते हैं अल्फाबेट में, हमने ऊपर देखा a e i o u। अब हमने इसको ऐसे लिख लिया क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 एलिमेंट्स थे। क्या अगर बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए तो क्या हम उसको रोस्टर फॉर्म में लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म का यही एडवांटेज है कि हम मतलब जो एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी है उन सबको मिला के एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ती इस वाले तरीके से। ठीक है, अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे 1.1 एक्सरसाइज के, कुछ एग्जाम्पल्स है जो हमने लिए यहाँ पे। तो अब इनमें से ऊपर वाला ए से डी तक है, ये कौन सा फॉर्म है, ये तो है सेट बिल्डर फॉर्म में। ये हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म में। और जो नीचे वाले ई से लेके एस तक है ये कौन से फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में। अब बुक में हमारी क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है और रोस्टर फॉर्म में पूछा है, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है तो सेट बिल्डर फॉर्म में पूछा है। तो चलो शुरू करते हैं ए से। ए के क्या दे रखा है, एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर दे रखा है
और कहाँ से कहाँ तक, एंड एक्स इज ग्रेटर देन माइनस थ्री एंड लेस देन सेवन। तो लिखते हैं इसको रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, इंटीजर है और थ्री से बड़ा है, माइनस थ्री से बड़ा है, तो माइनस थ्री से बड़ा माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन आएगा, नहीं सेवन नहीं आएगा, सिक्स तक। ठीक है, ऐसे बी में बी एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स, तो इसको कैसे लिखेंगे, लेस देन सिक्स से नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं वन से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नहीं आएगा क्योंकि बोला है लेस देन सिक्स। ठीक है, अब है सी वाला, इसने क्या बोला है कि एक्स इज ए टू डिजिट नेचुरल नंबर, टू डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज एट। ठीक है, ये दे रखा है। अब इसको लिखते हैं हम रोस्टर फॉर्म में। एट सम वाले कौन कौन से होंगे, जैसे कि एट जीरो एट हो रहा है सम, सेवन वन सिक्स टू फाइव थ्री फोर फोर थ्री फाइव टू सिक्स वन सेवन, ये हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही डी में दे रखा है एक्स इज सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर, क्या दे रखा है प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से डिविजिबल होते हैं या फिर वन से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो 60 के लिए क्या क्या होंगे, 60 के लिए 235 ओनली। ठीक है, तो ये डी हो जाएगा 235। ठीक है, ये हो गया। अब है ये इन सबको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा, अब रोस्टर फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो ई देखते हैं, सबसे पहले ई के एलिमेंट्स कैसे हैं, 3, 6, 9, 12। ठीक है, क्या क्या दे रखे हैं, 3, 6, 9, 12। अब इसमें जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या है कि ये सारे एलिमेंट्स 3 के मल्टीपल है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, ए एक्स एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल टू थ्री एन, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और एन कहाँ से कहाँ तक है, ग्रेटर देन इक्वल टू वन टू लेस देन इक्वल टू फोर। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम एक्स ई इक्वल टू एक्स एक्स इज सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ थ्री वेयर एक्स इज लेस देन इक्वल टू फोर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है, ऐसे ही एफ को लिखेंगे, एफ को कैसे लिखेंगे, अब इसमें क्या मल्टीपल है, 2, 4, 6, 8, 16, 32। ठीक है, तो ये क्या पाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर, यहाँ पे 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 आएगा तो कोई पैटर्न नहीं बनेगा। ठीक है, तो 6 नहीं आएगा यहाँ पे, 2, 4, 8, 16, 32। तो यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है क्या बन रहा है, 2 की पावर n का। ठीक है, तो इसको लिखेंगे x इज सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n है कहाँ से कहाँ तक, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 टू लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, जी को लिखेंगे, जी में क्या हो रहा है कि 5, 25, 125, 6, 25, तो यहाँ पे ये किसका पैटर्न है, 5 की पावर
एन का, तो जी इक्वल टू एक्स, एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल टू 5 की पावर एन, दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये कहाँ से कहा तक है, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 2, ये क्या है 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, ठीक है, ये इक्वल टू हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। अब एच का क्या होगा, एच क्या है 1, 4, 9 टिल 100, ये क्या है स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है, फिर एन इक्वल टू एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन कहाँ से कहाँ तक है, एन ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से लेके लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। तो गाइस और ये हमने किया है एक्सरसाइज 1.1 तक, और आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 से रिलेटेड क्वेश्चंस और थ्योरी करेंगे, ठीक है, थैंक यू।